खत्म होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ सुनैना, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज 24। तो चलिए चलते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिन दहाड़े सराफा व्यापारी की दुकान से उड़ाई सोने की चेन। गोला थाना कस्बा में दिन दहाड़े एक युवक मां महिला ने मिलकर सराफा की दुकान से सोने की चेन उड़ा ली। जानकारी के अनुसार दोपहर में युवक महिला दोनों राधिका ज्वेलर्स नाम से संचालित सराफा व्यापारी नरेंद्र कुमार की दुकान पर आए थे। कई प्रकार की ज्वेलरी देखी, जिसमें एक बाली खरीदी। सोने की चेन दिखाने की बात कही, जिस पर सराफा व्यापारी ने 8 सोने की चेन दिखाई। सोने की चेन देखते समय महिला ने एक चेन अपनी मुट्ठी में दबा ली, बाकी 7 चेन वापिस की। कहने लगे, पीछे मेरा घर है, मैं मम्मी से बात करके आता हूँ। और एक सोने की चेन जिसका वजन लगभग 15 ग्राम, कीमत लगभग 50,000 लेकर चंपत हो गए। वही सराफा व्यापारी की माने तो महिला और युवक स्कॉर्पियो गाड़ी से आए थे। घटना को अंजाम देकर वह तुरंत फरार हो गए। सारा मामला पीड़ित सराफा व्यापारी के दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वहीं पीड़ित ने घटना की तहरीर गोला कोतवाली में दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे चेक कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। रिपोर्ट लक्ष्मीकांत गुप्ता, लखीमपुर खीरी, हिंदुस्तान न्यूज 24। क्या घटना हुई आपके? मेरा नाम विनोद कुमार है। मेरे भाई नरेंद्र कुमार की दुकान मुंबई रोड पर स्थित है, राधिका ज्वेलर्स के नाम से। उसमें एक आज औरत और एक आदमी ग्राहक बनकर आए थे। उन्होंने चैन खरीदने की बात कही। नरेंद्र ने उनको चैन दिखलाई, 8 चैन देखने को दी। उन्होंने उसमें से एक चैन चुरा ली और घटना को अंजाम देकर दुकान से फरार हो गए। क्या आपने पुलिस को सूचना? पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल अपनी भूमिका अदा करते हुए दुकान पे जो घटना स्थल था उसका निरीक्षण किया और हमारी FIR दर्ज करने का आदेश किया। आगे विवेचना उन्होंने काम करेंगे, जो आपकी मदद होगी वो करेंगे।